अत्याचार और इतना उनको टॉर्चर किया जाता है कि वो सुसाइड करने पे मजबूर हो रहे हैं। और कौन कर रहा है वो? जज। मरने को कौन मजबूर कर रहा है? जज। महिलाओं का शोषण कौन कर रहा है? जज। ठीक है ना, कैमरा रिकॉर्डिंग कौन लागू कर रहा है? जज। धमकियां कौन थे, FIR झूठी धमकियां कौन कराने का? जज। और इवन की महिलाएं भी अब पीछे नहीं है। आप ये सोचो कि हाँ भी जज है तो जज होंगे तो भाई मर्द जज होंगे, अरे महिलाएं जज भी इनसे पीछे नहीं है। वो कहते हम क्यों पीछे? आदरणीय है वो तो, मी लॉर्ड है, आप उनके खिलाफ ऐसी बात कहोगे तो आपके खिलाफ भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। अरे पिछले 10 साल से चल रहा है सर, तो न्याय नहीं मिला। अगर न्याय होता यहाँ पे देश में, न्याय बचा होता तो मिलना जाता। तो पिछले 10 साल से मैं भटक रहा हूँ न्याय के लिए, हम कर्मचारी भटक रहे हैं। ये बुलंदशहर का विक्रम है, ये हरियाणा का भोगीराम है, मैं लुधियाना का पंजाब का अपना कर्मचारी हूँ। और ये देखो सर, ये सारी चीज़ें मैं कह रहा हूँ, चीफ जस्टिस, मैं पिछली बार भी बोला था कि चीफ जस्टिस जो हमारे पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के हैं अपना श्री रविशंकर झा जी, उनको एक पावर मिली है 229 की, उसमें सर वो भर्तियाँ करें। और भर्तियाँ किस, उनको पावर किसे मिले भी? किसी गरीब को दे दो, किसी नीडी के पर्सन को दे दो, नौकरी देनी है तो ये भाई भतीजावाद चलने का आरोप लगा रहे हो? अरे भाई भतीजावाद नहीं सर, भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा हूँ मैं। वो अपने साथ काम करे सुपरिटेंडेंट जैसे, उसका राजवीर के बच्चे को, बेटे को भर्ती कर दिया, साथ में काम करे किसी की बीवी को भर्ती कर दिया, क्यों सर? और अगर देखो पंजाब में एक और भी रूल है कि हाँ भी अपना पंजाबी जरूरी है, लेकिन चलो इन्होंने बात किया। लेकिन MP के बंदे भर्ती हो रहे हैं सर, तो मैं वहाँ पे स्टिंग ऑपरेशन करके आया सर, चीफ जस्टिस ऑफ जो है पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रविशंकर झा जी के घर पे, वहाँ पे जी 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 हमने किया ना, आप YouTube पे वीडियो पढ़िए देख लो। मीडिया में क्यों नहीं आती ये बात सर? मीडिया में, मीडिया डरती है, अगर मीडिया खुल के सामने आ जाए तो मैं लगता है देश में से भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का हथियार इनके पास है। ये आपके ऊपर फाइन लगा देंगे, इनके ऊपर लगा देंगे। हम तो कुछ कह नहीं रहे, जो कह रहे हो आप कह रहे हो, मैं तो मैं ही कह रहा हूँ। तो क्यों आप बना रहे हो ना, कल को ये भी हो सकता है कि आपने बनाई क्यों? ये तो हमारा अधिकार है, लोकतंत्र हमें भी पता है, संविधान हमें भी पता है सर। अपनी बात रखिए, लोकतांत्रिक दायरे में रखिए। बिल्कुल जी, लोकतांत्रिक, देखिए हमने आपके पास इन सब चीजों का सर सबूत सारे ऑलरेडी YouTube पे पड़े हैं, वीडियो पड़ी है। इवन की जस्टिस सॉरी आपके जितेंद्र मिश्रा जी दिल्ली के थे जज, जो महिला कर्मचारी के साथ अपना अश्लील हरकतें पकड़े पाए गए, तो ये क्या ये सही है कोर्ट के रिटायर रूम में? वो तो हम तो हमने ये भी मांग रखी है कि जजों के रिटायर रूम में शीशे वाले दरवाजे लगाए और उनके कैमरे लगाए जाए। इवन की एक हमारे पंजाब के जज थे, कॉलेजियम सिस्टम पे भी आप बात कर रहे थे, वो क्या है सर? कॉलेजियम सिस्टम के बारे में मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता है कि हाँ भी जो जज इस टाइम पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में है उनमें से काफी जज जो हैं जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और वो किस तरह का, जरूरी नहीं है कि पैसे का लेन देन ही भ्रष्टाचार है, अपनी पावर का दुरुपयोग करना भी एक तरह से भ्रष्टाचार है। जब क्लास 4 एम्प्लॉयज को किसी कोई भी जज, आज मैं आपके सामने ये कह रहा हूँ, ये बहुत पॉइंट है नोट, 1957-1973 की लेटर भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा जिसमें साफ साफ लिखा है अगर कोई भी जुडिशियल ऑफिसर किसी क्लास 4 एम्प्लॉय से अपनी कोठी पे प्राइवेट काम करवाता है तो इसे डिसऑनेस्टी माना जाएगा और जज को नौकरी से निकाला जाएगा। लेकिन आपको हैरानी होगी कि ये देखो, ये 6 बंदे हमारे सुसाइड कर गए, ठीक है ना, लेकिन जजों के ऊपर, किसी के ऊपर FIR भी हुई है लेकिन किसी को सजा नहीं हुई। 6 बंदे हमारे सुसाइड कर गए, साफ से सुसाइड नोट में लिख के गए हमारे से कोठियों में काम करवाते थे। एक नाजिर मर गया, 4 जजों का नाम लिख के मर गया कि हाँ जी हमारे से बगार लेते थे। और बगार लेना कितना, न्याय देने वाले ही भ्रष्ट है तो उनका, उनको कैसे पकड़ा जाए? क्या महाअभियोग हर बार चलाया जाए, क्या लगता है आपको? तो सर इसीलिए तो यही है कि महाअभियोग, हम तो कहते हैं जजों की जवाबदेही तय हो, क्यों नहीं होती जजों की जवाबदेही, कानून क्यों नहीं होता? सबके लिए कानून है, पुलिस वाले भ्रष्टाचारी हैं, ये अदालतों में कहते हैं ना पुलिस वाले भ्रष्टाचारी हैं, सरकारी दफ्तर वाले भ्रष्टाचारी हैं, मीडिया वाले भ्रष्टाचारी हैं, सारे जज माइलोड ईमानदार है, 50% हायर जुडिशरी करप्ट है। ये के गले में घंटी बांधेगा कौन? मैं बांधूंगा, हम बांधेंगे, आप बांधोगे? बिल्कुल बांधेंगे, घंटा बांधेंगे, इतना बड़ा। ये देखो ये बुलंदशहर का है, इसने क्या किया, इसने कहा कि हाँ कोर्ट में भ्रष्टाचार चल रहा है, क्लर्क जो है अपने नीचे क्लर्क भर्ती कर रहा है, उसको पैसे दे रहा है, कहता नहीं मुझे नहीं करना भी, ये ईमानदारी से करना है, तो इसको नौकरी से निकाल दिया। इसको इसके ऊपर दो कोर्ट रूम के अंदर भी कुछ होता है, क्या होता है? तो कोर्ट रूम के अंदर आपने दिल्ली में देखा ना क्या होता है, वहाँ पे अश्लील हरकतें होती हैं, वहाँ पे महिला कर्मचारियों के साथ का यौन शोषण होता है। इवन की कोठियों में बुला के जो क्लास 4 एम्प्लॉई है उन जज जो है महिला कर्मचारियों के साथ उनके साथ गलत करते हैं, उनको उनके लिए कोई कानून नहीं है क्या सर? कह तो रहा हूँ सर, 15 तकरीबन 14-15 साल केस चलता है,
उसके बाद उसको भी बरी कर दिया जाता है और लड़की को भी बहाल कर दिया जाता है, फिर दोनों में से किसी का कसूर नहीं तो 15 साल का छक मारने के लिए केस लड़ रहा था। और फिर समझौता भी हो जाता है क्या, दबा दी? तो वही तो कह रहा हूँ, 15 साल में बात दबाई तो गई ना, तो लड़की जिसने जज के ऊपर आरोप लगाया था उसको सजा हुई, ना उस जज को कुछ कहा गया जिसने इतना बड़ा जिसके ऊपर आरोप लगा, ना वो लड़की के ऊपर सजा हुई ना जज के ऊपर सजा हुई, तो दोनों में से गुनहगार कोई नहीं था। अंतिम लक्ष्य क्या है आप, मतलब आज मोटिव क्या है आज का? मोटिव सर यही है कि हमने ये दिखाया, देखो जी करोड़ों रुपए में जज बनने का पेपर बिक रहा है, 40 लाख रुपए में रिश्वत देते हुए एक जज पकड़ा गया, और जब रिश्वतें चल रही हैं पेपर बिक रहे हैं तो भ्रष्टाचार नहीं होगा? जब हम कह रहे हैं कि यहाँ भी जो बोलता है उसको आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर के नाम पे धमकी देकर दूसरे जिले में भेज दिया जाता है, ये मैंने 3 जजों के नाम लिखे नहीं, ये नवजोत कौर सेशन जज मानसा की है, ठीक है जी, और ये मनजोत कौर सेशन जज ADJ मानसा की है, और ये अनूप सिंह जज सद्दूलगढ़ का है, ये भी मानसा की है, तो धमकियाँ दे रहे कि तेरे ऊपर FIR करा देंगे, और इन जजों के खिलाफ कंप्लेंट कर रहा हूँ तो यही मेरा केस सुन रहे हैं, जबकि लोग कहते हैं कि जिसके खिलाफ शिकायत हो तो केस सुन ही नहीं सकते। एक और शेर भी है, उसी का शहर वही मुद्दई वही मुंसिफ निकले, मुझे मालूम था मेरा कसूर निकलेगा, तो हमारा तो यही है कि हमारा कसूर है। ये भाई साहब इन्होंने क्या करा, इन्होंने स्टेशनरी मांगी कि नहीं मैं पब्लिक से रिश्वत नहीं लूंगा, मैं उससे पेपर नहीं लूंगा, गवर्नमेंट जी आप हमें ये पेपर दे दो ताकि हम काम कर सके, डिसमिस कर दिया। ये बोलता है ये है, बड़ा ईमानदारी दिखा रहा था, मिल गई ना ईमानदारी की सजा है। तो पानी भाई साहब, पानी नीड है हमारी, पानी पीने का पानी, भाई साहब ने पब्लिक के लिए आवाज़ उठाई कि भी लोग आते हैं कितने दुखी होते हैं, दूर दूर आते हैं, कोर्ट में उन्होंने बोला कि 20-20 रुपये पब्लिक का और खर्च होता है, इन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट में चिट्ठी भेज दी कि सर पानी लगवाया जाए, अभी RO लगवाया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया, RO भी लग गया, इसको प्राइज मिलना चाहिए तो मिला प्राइज, नौकरी से निकाल दिया। तो ये ऐसे जब पानी मांगोगे नौकरी से निकाल दिया गया है, और अपना हक मांगोगे नौकरी, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, पानी मांगोगे तो चीर देंगे, नहीं 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 नहीं, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, न्याय मांगोगे तो नौकरी से निकाल देंगे, ये बोलो सर, ऐसे मत बोलो, वो कश्मीर वाला हो गया ना, अब ये नया बनाओ कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, अगर ईमानदारी से काम करोगे तो चीर देंगे, तो ये बनाओ सर, हम लोग ईमानदार हैं और ऑनेस्टी, हाँ रिश्वत, और इवन की सर ये अनूप कुमार जज की, अनूप सिंह जज साहब की बात कर रहा हूँ, इनके सामने इनके रीडर के खिलाफ शिकायत आई कि इसने पैसे लिए, ठीक है, पैसे लेने के बाद ये जज साहब को क्या करना चाहिए था, अगर ईमानदार थे तो इनको हटा देना चाहिए था, इसके खिलाफ सेशन जज को चिट्ठी लिखनी चाहिए थी, उसकी जो चिट्ठी लिखी नहीं मेरी SAR खराब कर दी, ठीक है ना, जब मैंने पूछा कि सर मेरी SAR क्यों खराब कर, अच्छा तुम्हें से जुबान लड़ाता है तेरी, चल तेरे ऊपर FIR कराता हूँ, सर ये धमकियाँ दे के चुप कराया जाता है, तो हम कहाँ जाए, कहाँ किस जज से मांगे, चीफ जस्टिस तक तो मैंने दे दिया सर, अब तो लगता है ये तो कह रहे जी, हम तो सीधे सीधे इनको कह रहे हैं चीफ जस्टिस को, CGI को, चंद्रचूड़ जी को, इंसाफ दो या मरने की परमिशन, देखो सर ऐसे ही मार दिया जाएगा, तो इससे अच्छा है कि आप इंसाफ दे दो, अगर इंसाफ हम भी अपने घर में परिवार के साथ रहना चाहें, सर 10 साल से मैं अपने घर परिवार से दूर हूँ, सिर्फ एक जज की शिकायत करी थी उससे, रंजीत कुमार जैन उसका नाम था, उसने मुझे गिरफ्तार किया था, कोई भगत सिंह पैदा होगा तो है नहीं, भगत सिंह हम सब हैं, आप ही भगत सिंह है, वीडियो बना रहे, ये भी भगत सिंह है, ये भी भगत सिंह हमारे दिल में रहता है, और हम भी भगत सिंह है, अगर हम उसको दिल में रखते हैं ना तो अगर क्रांति की ज्वाला हमारे अंदर है तो हम खुद भगत सिंह है, और ये ऐसे नहीं डाल के घूमते कि हाँ भाई वी वॉन्ट ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग, सर मेरे घर में चोर आएगा कैमरा होगा पकड़ा नहीं जाएगा, अगर आप मेरी वीडियो बना रहे मुझे डर है छाती चौड़ी करके घर आऊँ क्योंकि मैं गलत नहीं कर रहा, अगर मैं चोर होता मैं यहाँ से भाग जाता क्यों, क्योंकि आप मेरी वीडियो बना रहे, ठीक है ना, किसको डर है, अगर 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 हम अदालतों में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की मांग करते किसको डर है, जजों को डर है इसलिए उन्हें लगा रहे, क्यों डर है, क्योंकि ताकि उनकी पोले भूल जाएंगी, ताकि वो जो कोर्ट में बैठते हैं लेट 10:30 बजे का टाइम, उसके बाद उठ के पीछे चले गए, उसके बाद जो मर्जी किया, किसी को भी डांट दिया, किसी को कर दिया, इसलिए हम तो चाहते हैं कैमरे लगाओ, सर आपको कुछ लगाए, आप माई लड़ो, आपको कोई ना बोले, आपके ऊपर कोई आरोप ना लगाए, इसलिए कैमरे लगाओ, लगाते क्यों नहीं, लगाओ ना, हम कौन मना कर रहे हैं, लगाओ कैमरे, मैं तो खुद कहता हूँ मेरे ऊपर कैमरा लगाओ, हम तो कहते हैं कि आपके रिटायर्ड रूम के अंदर कैमरे लगने चाहिए, आपका दरवाजा शीशे का होना चाहिए, ताकि हमारे जो माई लोड है इनके ऊपर कोई आरोप न लगाए, ये तो सच्चे हैं, ये तो भगवान है, सब कुछ है, हम ही गलत है, तो हम तो आपके लिए कह रहे हैं कैमरे क्यों लगा रहे तुम, चिट्ठी लिखी थी मैं रीडर था, मैंने कि मेरे ऊपर कैमरा लगा दो जी आप, अगर कोई मैं रिश्वत लेता हूँ भ्रष्टाचार करता हूँ पब्लिक से मैं पकड़ा जाऊंगा, नहीं वो चिट्ठी दबा दी उन्होंने, अगर मेरे ऊपर कैमरा लग जाता तो सारे रीडर के ऊपर कैमरा लगता सभी कोर्टों में, ये है सर, जज को पता होता है कि, अच्छा ये बात बताओ, ये मेरा रीडर है मान लो मेरे साथ काम करता है, ठीक है ना, तो ये रिश्वत ले रहा है, मुझे नहीं पता है ना, हाँ जब मैं तो और इससे बड़ा क्या है, पता होता है लेकिन काम नहीं, उसे कुछ कहना नहीं है, लेकिन जब पब्लिक का बंदा खुद आके बोले, जनता को ये संदेश दूंगा, भैया जागो वीडियो बनाओ, मोबाइल में वीडियो बनाओ, सबको नंगा करो, मेरे अगर मैं गलत हूँ मुझे भी नंगा कर दो, क्या दिक्कत है, मैं मेरी बात सुनो, अगर मैं यहाँ चोरी करूंगा या मैं किसी महिला को छेड़ूंगा या मैं कोई भी गलत काम करूंगा, आपका कैमरा ऑन होगा, मैं यहाँ से भाग जाऊंगा, एक मिनट मैं छाती चौड़ी होकर सामने खड़ा हूँ,
लो कर लो जिसको जो करना है, बनाओ एक क्या दस भी जाओ, पचास बनाओ वीडियो, ये खड़ा, ये छाती ठोक के खड़ा, ये खड़ा छाती ठोक के कि हम चोर नहीं है भाई साहब, हम ईमानदार हैं और ईमानदारी का नतीजा भुगत रहे हैं इसके ऊपर। महाराज माता की जय। भ्रष्ट जजों से देश को बचाओ, भ्रष्ट जजों से कर्मचारियों को बचाओ, भ्रष्ट जजों से जनता को बचाओ, भ्रष्ट जजों से अदालतों को बचाओ। शर्मा बुलंद शर्मा जज एडीजे, उन्होंने क्या करा, हम जब कोर्ट में गए तो जबरदस्ती तो चार्ज बनाया गया बिना सुने, और वकील से कहा कि तू साइन कर वकालतनामा पे, जब चार्ज बना उसके बाद में जब हमने कहा कि साहब ये क्या हो रहा है तो हमारे मोबाइल छीन लिए गए, क्यों कैमरे क्यों रिकॉर्डिंग ना कर लें हम, इतने भ्रष्ट हैं, भ्रष्टाचार पूरी तरह फैला हुआ है दिल्ली में, यमुना जी बहती हैं और सुप्रीम कोर्ट भी है। मैं एक ही बात कहूँगा, सभी के लिए नहीं है, बहुत ज़्यादा जजों के लिए ये मैं कह रहा हूँ, यमुना जी के घाट पर भई दुखियों की भीड़, चीफ जस्टिस चंदन घिसे तिलक लेत वकील।